इतने मैत्री भाव प्रणाम करती हूँ। और सामने बैठे और मंच पर बैठे सभी भाई भाई और बहनों को सप्रेम जय भीम। मैं आंगनवाड़ी संदर्भ में बात करना चाहूँगी, क्योंकि हम आंगनवाड़ी सेविका 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 बोले तो सेविका का मतलब है सेवा प्रदान करना। और आंगनवाड़ी सेविका 1975 से लेके अभी तक सेवा करते आ रही है, लेकिन सेवा के हिसाब से उन्होंने अभी भी कभी उन्हें सम्मान और हक नहीं मिला है, क्योंकि लसीकरण, पूर्व शालेय शिक्षा, गर्भवतियों की देखभाल, किशोरियों की देखभाल और ऐसी छह सेवाएं हैं जो सेवा वो हमेशा करती रहती है। और वो सेवा करते करते उनके पाँच तास या 24 तास यानी पूरी 24 घंटे वो सेवा देती है। यानी समझो अगर रात में अगर कोई बीमार पड़ता है तो वो लोग वो जब जब दवाखाना नहीं रहता तो वो आंगनवाड़ी के सेविका के अंदर घर आते हैं, मैडम हमारे बच्चों को बुखार है आप गोलियां दो, यानी वो डॉक्टरों का भी काम करती है। और उसके ऊपरा यानी किशोरी शक्ति योजना अंधश्रद्धा निर्मूलन और अभी तो बेटी पढ़ाओ ये भी काम को करती है, लेकिन वो काम के हिसाब से उन्हें अभी तक कुछ भी यानी मानधन पर है तो मानधन पर ही है, हम अभी तक मानधन पर रहे हैं और ऐसे रहेंगे यही सरकार सोचती है, लेकिन हमें अभी तक कोई सम्मान नहीं मिला है। उन्होंने हमारी ऐसी पहचान बना दी है कि आंगनवाड़ी सेविका यानी रास्ते पर उतरे आंदोलन करे। अभी एक महीना हमारा आंदोलन था, एक महीने के सिर्फ 5,000 हमें मिलते हैं, यानी पांडिचेरी गोवा उनके हिसाब से उन्हें अगर 20,000 मिलते हैं तो उनके हिसाब से हमें सिर्फ 5,000 मिलते हैं। अभी आप ही सोचिए 5,000 में आंगनवाड़ी सेविकाओं का गुजारा कैसे होगा, वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगी, क्या पढ़ाएगी और क्या वो यानी अपना कुटुंब चलाएगी। और ये हिसाब से वो 5,000 क्या है, एक महीना आंदोलन करने के बाद सिर्फ 1,500 हमें पड़े, 1,500 में भी 1,500 पड़े तो 1,500 में भी गुजारा हो सकता है क्या, आप ही सोचिए हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या उच्च शिक्षा देंगे, ये तो हम आवाज ही नहीं कर सकते हैं। और रही बात यानी केंद्र सरकार के तो अभी 6 सालों से एक भी रुपया नहीं बढ़ा है, यानी जो हमें हक मिलना वो भी नहीं, यानी हम कब तक ऐसे हकों के इसमें लड़ते रहेंगे। अब हमारे लड़ते लड़ते हमारे इतना आंदोलन इतना तीव्र हो जाएगा कि अभी हमें मानधन तो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वेतन ही चाहिए। और ये वेतन दिलाने की जिम्मेदारी हम आंगनवाड़ी यानी स्वतंत्र मजदूर यूनियन, ये ऐसी हमें यूनियन मिली है जो हमें हमारे हक का यानी बारे में सोचती है, उन्होंने हमें अपने यूनियन में शामिल कर लिया है। और ये यूनियन सभी बाबा साहब के यानी सर्वपल्ली फुले अम्बेडकर इनके विचारों पर आधारित है, तो सर्वपल्ली अम्बेडकर विचारों के लोग ये हक दिलाने का काम करते हैं, हक छीनने का काम नहीं करते। और ये यूनियन हमें अपना हमारा हक देगी, हम ऐसी आशा करते हैं। रही बात मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मोदी तेरे तीनों ऊंचा गुंडा बेईमान, मोदी तेरे तीनों ऊंचा गुंडा बेईमान, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा हमारा है तो हमसे टकराए। पीएम मोदी जी कहते हैं अपने माने ही है, पीएम मोदी जी कहते हैं कि यदि सबके अच्छे दिन आएंगे। 3 साल पूरे होने के बाद भी हमारे आंगनवाड़ी के कब आएंगे सब अच्छे दिन, हम कब तक अपने अच्छे दिनों के बारे में सोचते रहेंगे, हमारे तो अच्छे दिन कभी नहीं आए। सबके घर घर हो सुख शांति, यही है मोदी जी की क्रांति, यही कहते हैं मोदी जी। और आंगनवाड़ी सेविकाओं के बारे में जब उन्होंने हमारे मन के बात में 8